इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पटाखों की आवाज और ये चमकीली पोशाक देख के आप समझ गए होंगे कि आज क्या दिन है। आज दिवाली का दिन है और इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो की तरफ से आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दिवाली के दिन हम कुछ आपको ऐसा बताएंगे जिसको शायद आपने नहीं सुना होगा। यूपी पुलिस का हम आपको ऐसा चेहरा दिखाएंगे शायद जिस चेहरे की आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उस चेहरे को शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि यूपी पुलिस ऐसी भी हो सकती है। हम बात कर रहे हैं अमरोहा की। यूपी वेस्ट के जिले अमरोहा के थाना सैद नगरी की मैं बात कर रहा हूं। दिवाली का दिन था, दो बच्चे जो हैं वो दिए बेच रहे थे, मार्केट में बैठे थे, बाजार में बैठे थे, इस उम्मीद में बैठे थे शायद उनके दिए बिक जाएं तो वो भी अपने घर को जो है वो रोशन कर सकें। दूसरों के घर रोशन करने के लिए वो दिए बेच रहे थे इस उम्मीद पे कि शायद वो भी जो हैं वो आज के दिन दिवाली के दिन मिठाई खा सकें, वो भी आज के दिन जो हैं वो अच्छे कपड़े पहन सकें। लेकिन उनकी बदकिस्मती ये थी कि इस इलेक्ट्रॉनिक ज़माने में चाइना जैसे जो सामान हैं उनके ख़रीदार बाज़ार में ज़्यादा थे और मिट्टी के दियों को कोई नहीं पूछ रहा था। हालांकि जो उनकी उम्र के बच्चे आ रहे थे वो भी जो है वो रंग बिरंगी लाइटों वाले आइटम्स पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे और दियो की तरफ उनकी कुछ तवज्जो ही नहीं थी। वो बच्चे मायूस थे, वो बच्चे सोच रहे थे अगर दिए नहीं बिके तो हम क्या करेंगे, अगर दिए नहीं बिके तो हम कैसे दिवाली बनाएंगे, और दिए नहीं बिके तो ये जो दिए हम उधार पे लाए हैं जो दिए उनका कैसे जो है वो कर्ज चुकाएंगे। इस सोच में ये बच्चे गुम थे, इस सोच में ये बच्चे गर्क थे क्योंकि साहब इनकी उम्र भी छोटी है। जैसे छोटा बच्चा दिवाली देख के खुश होता है, कब से दिवाली की तैयारी करने लगते हैं हमारे बच्चे, कब से जो है वो एक प्लानिंग चलने लगती है। जब हम छोटे थे हम भी प्लानिंग करते थे कि ऐसे दिए जलाएंगे, ऐसे सजाएंगे, ऐसा ये करेंगे। लेकिन उसी उम्र के ये दो बच्चे ये भी सोच रहे थे, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि इनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो भी दिवाली बना सके। लेकिन इनकी खुददारी ये थी कि ये भीख नहीं मांग रहे थे, ये किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे थे, ये खुद इन्होंने दिए की दुकान लगाई, एक कपड़े पे इन्होंने जो है वो दिए लगाए और इस उम्मीद में कि खरीदार उनके दिए खरीदेंगे। ये बदकिस्मती इनकी समझ लीजिए कि दिए के खरीदार बाज़ार में नहीं थे, और मैं कहूँगा कि बदकिस्मती खरीदारों की भी थी जो इन बच्चों के दिए नहीं खरीद पा रहे थे। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि ये जो मंज़र था ये पूरा बदल गया। वो इसलिए बदल गया क्योंकि एक पुलिस का दस्ता जो है वहाँ पर आ पहुँचा। पुलिस का दस्ता एक वहाँ आ पहुँचा और उसको लीड कर रहे थे सैद नगरी के थाना अध्यक्ष नीरज कुमार। नीरज कुमार इस दस्ते को लीड कर रहे थे और उन्होंने बाजार में जितने भी लोग नीचे जो थे वो दुकानें लगाए हुए थे उनसे कहा कि अपनी दुकानों को पीछे कर लें। पुलिस बल को देखते हुए लोगों में अफरा तफरी मच गई, अपनी दुकानें उठा उठा के पीछे करने लगे। पुलिस बल इन बच्चों के पास भी आया, पुलिस बल इन बच्चों के पास भी आया। नीरज कुमार ने कहा कि अपनी दुकानें पीछे लगा लो। फिर साहब कुछ ऐसा हुआ जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उन बच्चों ने कहा, अंकल हम सुबह से बैठे हुए हैं लेकिन हमारे दिए कोई नहीं खरीद रहा, हम सुबह में भी थे जब भी नहीं खरीद रहा, अब कुछ देर बाद जो है वो शाम हो जाएगी और दिए जलाने का वक्त आएगा लेकिन हमारे दिए नहीं बिक रहे हैं, हम अपनी दुकान पीछे कर लेंगे, हमारे दिए बिक जाए। नीरज कुमार जो थे उससे भावुक हो गए। नीरज कुमार ने कहा कि क्या तुम मुझे ये दिए बेचोगे, अगर मैं दिए खरीदना चाहूँ तो तुम मुझे ये दिए बेचोगे। बच्चे खुश हो गए, नीरज कुमार ने बिना देर लगाए जो है वो दिए खरीद लिए। और नीरज कुमार को देख के जो वाकी के जो अफसर उनके साथ आए थे उन्होंने भी जो है वो दिए खरीदने लगे, लेकिन खरीदार कम थे और दिए ज़्यादा थे। नीरज कुमार ने अपील करी लोगों से कि इनके दिए खरीदें, एक थाने अध्यक्ष अगर अपील कर रहा हो तो लोग क्यों उनकी बात नहीं मानेंगे। लोगों के अंदर भी उत्साह जागा और लोगों ने जो है वो दिए खरीदना शुरू कर दिए, और इस तरीके से जो है नीरज कुमार ने हैप्पी दिवाली कर दी उन दो बच्चों की भी। बाद में नीरज कुमार से लंटॉप टीम ने पूछा कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, कि आपने ये कैसे सोचा, क्योंकि पुलिस वालों का जो चेहरा है हमें कुछ और नज़र आता है लेकिन ऐसा चेहरा जो है हमने पुलिस वालों का पहली बार देखा था। नीरज कुमार ने बताया कि मैंने एक इश्तिहार देखा था, एक पोस्टर देखा था, उस पोस्टर में एक
बच्चा जो है वो एक अम्मा से कह रहा है कि फिक्र मत करो, तुम्हारे दिए जो हैं वो बिक जाएंगे। और उसके बाद जो है उस पोस्टर को आम किया गया, वायरल हुआ पोस्टर और सब लोगों ने जो है दिए बेचे। तो नीरज कुमार ने कहा कि अगर एक पोस्टर के ज़रिए दिए बिक सकते हैं तो फिर हम तो इंसान हैं, हम अगर कोशिश करें तो हम किसी की हेल्प क्यों नहीं कर सकते, क्या हम किसी की हैप्पी दिवाली क्यों नहीं कर सकते। हालांकि बाद में नीरज कुमार ने बताया कि हम पुलिस वाले हैं, हमारी ड्यूटी रहती है, हमें त्योहारों पे भी छुट्टी नहीं मिलती है, हमारे दो तीन बच्चे हैं, दो बेटियां और एक बेटा है, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। वीडियो कॉल से उन पर हमने बात की है, लेकिन अमरोहा के लोग और इन बच्चों के साथ मिलके शायद हम उस दूरी को भूल गए और हमने जो है यहाँ दिवाली बनाई, लोगों ने हमें जो है वो मिठाइयाँ खिलाई। क्या उम्मीद हम कर सकते हैं? यही उम्मीद तो हम अपनी पुलिस वालों से करते हैं, यही उम्मीद हम अपने पुलिस वालों से करते हैं कि पुलिस जो है वो हमारी मदद करे, पुलिस जो है वो हमारे साथ रहे, पुलिस जो है हमारे साथ दोस्त बने। और नीरज कुमार ने ये मिसाल जो है इस साबित की है, एक मिसाल साबित की है नीरज कुमार ने ये करके। यूपी पुलिस का जो चेहरा आमतौर पे इतना अच्छा नज़र नहीं आता है, यूपी पुलिस की साख को जो है नीरज कुमार ने अमरोहा से ज़रूर बढ़ाया है। हालांकि ये खबर जो है ये पिछली दिवाली की है, लेकिन जब जब दिवाली आएगी इस खबर को जो है आम किया जाएगा, इस मैसेज को वायरल किया जाएगा कि क्यों ना हम इस दिवाली, हर दिवाली, किसी और की भी दिवाली को हैप्पी करें, ताकि हमें कहीं ना कहीं हमारे चेहरे पे, हमारे दिल में एक संतोष, एक सुकून रहे कि अपनी दिवाली के साथ साथ हमने किसी और की दिवाली को भी हैप्पी किया है। आइए हम लोग भी ये डिसीज़न लेते हैं कि इस दिवाली को जो है हम किसी की दिवाली को ज़रूर हैप्पी करेंगे, हम किसी के घर को ज़रूर रोशन करेंगे और किसी के जो होठों पे ज़रूर मुस्कुराहट लाने का काम करेंगे। फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ हम रहेंगे आपके साथ मौजूद। आप बने रहिए द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ, और कमेंट बॉक्स में हमें आप ज़रूर बताएं कि आपको जो है वो नीरज कुमार का ये स्टेप कैसा लगा, या नीरज कुमार के लिए दो लफ्ज़ शुक्रिया के ज़रूर कहें, क्योंकि इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो नीरज कुमार को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता है। जय हिंद।